ये देखिए कहाँ पे आ गए हम। कार पार्क करने जा रहा हूँ बस। पहचानो पहचानो कौन सी जगह है। जय श्री राम के साथ में बस आज के व्लॉग की शुरुआत हो गई। थोड़ा सा एयरफॉक्स आ रहा है यार पीछे से। नाम बता दो अपना। दामोदर शर्मा। दामोदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उतरते के साथ ही बहुत ही सज्जन व्यक्ति दामोदर जी शर्मा मिल गए थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया है। खोले के हनुमान जी आए हूँ यार, मम्मी के साथ में, माता जी के साथ में, जो मामा जी हमारे उनकी 60वां जन्मदिन है। 60 साल के हो गए हैं आज, तो इसलिए आए हैं। ठीक है जी दामोदर जी। ठीक है सर। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद दामोदर जी। क्या यार पार्क करवा रहे थे, मैंने कहा यार आप लोग इतनी मेहनत करते हैं यार, आप आराम से बैठो। पर क्या बैठ तो सकते नहीं है क्योंकि ड्यूटी है, ड्यूटी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो बोले नहीं भाई साहब हमारा तो काम ही है। मैंने कहा काम तो है पर आप बैठ जाइए, मैं अपने आप पार्क कर लूँगा और आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा, ढंग से पार्क करेंगे। तो चलिए जय श्री राम के साथ में आज की शुरुआत करते हैं। और बढ़िया अपन जो है दाल बाटी चूरमा खाने के क्या है इतने ज़्यादा शौकीन है, तो इसलिए आ गए हैं यहाँ पे खोले के हनुमान जी। ये प्रॉपर कार पार्किंग बना रखी है देखो इधर जहाँ से हमने लगाया है। यार ये रोप वे चालू हो गया क्या यहाँ पे, कब से चालू हुआ है? 28 तारीख। और क्या पैसे का टिकट है इसका? 150 रुपये। 150 रुपये। चलो जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया एक नई खुशखबरी मिल गई यार इसके साथ में ही कि खोले के हनुमान जी के अंदर रोप वे शुरू हो गया यार। तो अब क्या है, जो भी बुजुर्ग लोग आते हैं, जो भी वृद्ध जन आते हैं अपने, तो उनके साथ अपने दादा दादी को, जो भी आप लोगों के हैं जो आना चाहते हैं और काफ़ी साल से है ना ये सोच करके कि ठीक है यार ऊपर दर्शन करने में थोड़ा चलना पड़ेगा, जितना भी जो भी है। वैसे तो क्या ई रिक्शा वगैरह यहाँ पे टुक टुक चलती है, तो आप उन लोगों को भी ला सकते हो। और रोप वे का चार्जेस है 150 रुपये अप डाउन। बढ़िया आराम से खोले के हनुमान जी आओ और बालाजी महाराज के दर्शन करके जाओ। जय श्री राम के साथ में। जब भी आता हूँ ना यार इस परिसर के अंदर, हमेशा सुकून सुकून का जो अनुभव होता है ना, मज़ा आ जाता है। चारों तरफ हरियाली और साथ में क्या है बढ़िया, ये रोप वे का रास्ता शायद ये यार बढ़िया। देखो यहाँ से जा सकते हैं अपन। जय जय सियाराम, जय सियाराम। द्रव सुदश अजर बिहारी सिया राम सिया राम जय जय। जय हो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय हो। जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। अपने को जाना है अब रसोई नंबर 14। ये सारी रसोईयाँ हैं देखो, जहाँ जहाँ है ना आपके सवामणि होती है प्रसादी जो है ना दाल बाटी चूरमे की। बढ़िया ये चारों तरफ देखो रसोईयाँ रसोईयाँ बनी हुई हैं शानदार तरीके से। देखो अभी भी क्या है काफ़ी सारी जगह कार्यक्रम चल रहे हैं और वहाँ से अपन मंदिर से आए। देखो येरा अब सीधे गए प्रसाद खा के उसके बाद ही बात करेंगे आपसे। बहुत बढ़िया प्रसादी हो गई यार, दाल बाटी चूरमा समझ के आया था, मम्मी ने यही कहा था। पर निकला पूड़ी सब्जी, पनीर की सब्जी, बढ़िया मिश्री मावा, तो खाना तो अच्छा था। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, अगर दाल बाटी चूरमा नहीं भी मिला, बाकी मैं उसी की उम्मीद से आया था, तो भी क्या है प्रसादी कहीं भी किसी भी तरीके की बनती है ना, सब में क्या है एक अलग ही स्वाद आपको मिलेगा। पनीर की सब्जी थी, छोले थे, पूड़ी थी, मिश्री मावा, एक बेसन की मिठाई, टपोरे वगैरह और कचौरी वचौरी कुछ थी दाल की। तो क्या है एकदम स्वाद जो है ना प्रसादी के अंदर एक अलग ही एनहेंस हो जाता है यार।
और बालाजी महाराज की प्रसादी है तो फिर क्या ही कहने यार, हमारे फेवरेट है बालाजी महाराज तो। हद है यार, यहाँ पे भी लोग अपना है ना वीआईपी पना छोड़ते नहीं है साले। पीछे एक बलेनो वाला खड़ा हुआ है, वो क्या है यहाँ पे चौड़ा हो रहा है गार्ड के ऊपर, बोलता है कि बोले सेक्रेटरी साहब के, बोले सवा मणि के अंदर आए हुए हम लोग। अबे भाई तू किसी सेक्रेटरी के आए हो? वैसे तो मेरे मामा भी है ना राजभवन के अंदर जॉब करते थे, उनके यहाँ भी अफसर वगैरह सफारी सूट के अंदर आए हुए, तो फिर क्या हम चौड़े होकर के बोले नहीं मैं तो साइड से गाड़ी लेके जाऊँगा, पार्किंग में नहीं लगाऊंगा। पार्किंग में लगा ले तमीज से यार। तो ये जो वीआईपी कल्चर है ना बिना बात का, मैं पैदाइशी वीआईपी हूँ ठीक है, जब पैदा हुआ था उसके आसपास भी दादी ने क्या है विधायक का चुनाव लड़ा था, मैं बिना बात में किसी के ऊपर यार चढ़ता नहीं हूँ यार। छपरी बॉयज आशीष डांस तो कर दे एक बार थोड़ा सा ठुमका सा दिखाइए ऊपर वीरेंद्र, बस ठीक। भाई साहब आज के अंदर तीसरा टैंकर मंगवाना पड़ गया है, क्योंकि क्या है जयपुर के अंदर जो है ना पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है। और आज जो है ना, आज इन्होंने क्या लाइन और बंद कर रखी थी, जो बीसलपुर का पानी जहाँ से भी आ रहा था ना आगे से, वो भी आज इन्होंने बंद कर रखा था सरकार ने। मतलब दो दिन पहले इन्होंने अखबार के अंदर बोल दिया था कि हाँ जी आज 30 तारीख को जो है ना वो शटडाउन रहेगा पानी का, क्योंकि बीसलपुर की जो लाइन है ना। भाई साहब ये देखो चूहा आ गया चूहेदानी में, गाड़ी के अंदर घुसा हुआ था इतने दिन से दिख नहीं रहा था, देखो अब हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये हिला, हिल ही नहीं रहा। शांति से बैठा है देखो, बिल्कुल नहीं हिल रहा बिल्कुल। हेलो, ये हिला जरा सा देखो,